हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो बिना देरी किए बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कटरा स्टेशन बाय ट्रेन आ गए हैं। अगर आप लोग भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइए और फिर सुबह की ट्रेन से आप शाम तक कटरा आ जाइए। अगर आप लोग रात में यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हम लोग फैमिली के साथ हैं इसलिए आज रात हम लोग कटरा में रुककर सुबह अपनी यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, यात्रा प्रस्थान करने से पहले आप लोगों को यात्रा कार्ड बनवाना होगा। यात्रा कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले एक बार ज़ोर से माता जी का जयकारा लगाते हुए, जयकारा शेरा वालिदा बोले साचे दरबार की जय। दोस्तों, यह सुबह 4 बजे का कितना खूबसूरत नज़ारा है आप देख ही सकते हैं। इस नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में है। श्रद्धालुगण माता जी के दर्शन करने बड़े जोश और उत्साह के साथ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा फर्स्ट चेकिंग पॉइंट है, जहां पर हम अपने लगेज और यात्रा कार्ड के साथ सभी चीज़ों का चेकिंग होता है। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, आप लोग किसी प्रकार का धूम्रपान सामग्री नहीं ले जा सकते हैं और पूरी यात्रा के दौरान कैमरा का यूज़ करना मना है। तो इन बातों का खास ध्यान रखें और अपनी यात्रा जारी रखें। जय माता दी। तो दोस्तों, यात्रा की शुरुआत में ही आपको बाणगंगा का 2 स्नान घाट देखने को मिल जाएगा। ये पहला स्नान घाट है, आप चाहे यहाँ स्नान कर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं या दूसरे वाले घाट पर भी स्नान कर सकते हैं। ये दोनों घाट एक ही नदी में हैं। तो दोस्तों, बाणगंगा और बालगंगा एक ही नदी के 2 नाम हैं, तो आप इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और यह देखिए, यह बाणगंगा का 2रा स्नान घाट है। हम लोग यहाँ स्नान करेंगे और आगे की यात्रा जारी रखेंगे। अगर आप लोग आए तो यहाँ स्नान जरूर करें। यहाँ पर आप लोगों को चेकिंग रूम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ स्नान करने के बाद अपनी यात्रा जारी रखें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुगण माता जी के दर्शन करने के साथ नाचते झूमते हुए जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलिए जयकारा वीर बजरंगी बोलिए साचे दरबार की जय। दोस्तों, यात्रा के दौरान प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर का होगा, तो आइए हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं। आप लोग जब भी आइएगा तो दर्शन जरूर करिएगा। जय माता दी। यात्रा के दौरान बहुत जगहों पर व्यू पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जहां से देखने के बाद एक अलग ही सुकून मिलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यात्रा के दौरान चरण पादुका मंदिर के बाद एक 56 मंदिर देखने को मिलेगा, तो आइए हम लोग मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते हैं और इसी तरह हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, यात्रा के दौरान आप लोग घोड़ा और पालकी की भी सवारी देखने को मिलेगा। अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो
आइए दोस्तों, हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में दिख रहा है। अर्धकुमारी पहुंचने पर हम सबसे पहले दर्शन रिसिप्ट कटाएंगे, क्योंकि यहां श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में होता है, जिसके कारण सभी श्रद्धालुगण को दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए हम सबसे पहले रिसिप्ट कटाएंगे और जब हमारा दर्शन करने का नंबर आएगा तब हम दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोग रिसिप्ट कटा लिए हैं और हम लोगों को 48 घंटे का वेटिंग दिया गया है। तो इसका मतलब हम लोगों का नंबर कल रात में आने वाला है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं और कुछ खा पी लेते हैं और इसके बाद हम अपनी यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अर्धकुमारी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। अगर आप लोग अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया है। रहने के लिए धर्मशाला है, जहाँ पर आप कंबल लेकर रह सकते हैं। कंबल लेने के लिए आप लोगों से सिक्योरिटी के तौर पर 100 रुपये लिए जाएंगे। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपकी राशि रिटर्न दे दी जाएगी। और यहाँ पर आप रीजनेबल प्राइस पर भोजन भी कर सकते हैं, जो श्राइन बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट दुकान भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप खाने पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट दुकानों में चीज़ें थोड़ा महंगा मिलेगा। तो दोस्तों, इस बार यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी खुल चुका है, जो पिछली बार नहीं था। तो आप यहां से भी चीजें खरीद सकते हैं। हम लोग अब धीरे धीरे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ ही देर में माता रानी भवन का फर्स्ट दर्शन कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, ये है माताजी भवन का फर्स्ट दर्शन। तो आप लोग भी माताजी भवन का दर्शन कर लीजिए और माताजी का जयकारा लगाते हुए बोलिए जय माता दी। अब हम कुछ ही देर में माता रानी का भवन पहुंचने वाले हैं और माताजी भवन का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे। जय माता दी। दोस्तों, अब हम भवन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख ही सकते हैं भवन कितने अच्छे से सजाया गया है। श्रद्धालुओं का भीड़ काफी संख्या में दिख रहा है। श्रद्धालुओं में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। अभी आरती का टाइम हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या में होने के कारण दर्शन के लिए लाइन बाबा भैरवनाथ तक लगी है। तो इसलिए हम लोग आरती के बाद दर्शन करेंगे। अभी हम लोग दुर्गा भवन में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार कितने खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। यह खूबसूरत नजारा आपको नवरात्रि में ही देखने को मिलेगा। यहाँ सजावट के लिए जो भी पुष्प लगाए गए हैं वो सब ओरिजिनल हैं। इस बार यह अनुमान लगाया जाता है कि माता जी का दरबार 15 करोड़ फूलों से सजाया गया है, जो भारत के सभी अलग अलग राज्यों से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाता है। तो दोस्तों, अब हम माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं और यहाँ का सारी अपडेट देते रहते हैं। रात में कहाँ रहना है, खाने की सुविधा क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी ने हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन दिए और दर्शन करने के बाद क्या बताऊं मैं, मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और देखिए, रात में भवन का नजारा कितना ही अच्छा लग रहा है, मानो स्वर्ग में आ गए हो। माता रानी का दरबार स्वर्ग से कम नहीं है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम दुर्गा भवन के अंदर में आ गए हैं और हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर का रात का सीन दिखा रहे हैं। यह नजारा कितना ही अद्भुत और खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, यही है स्काई वॉक, जो इस बार नया नया बना है। पहले मंदिर में जाने के लिए सेम ही गेट होता था, जिससे एंट्री और एग्जिट होता था, लेकिन इस बार दूसरे गेट से हुआ। जय माता दी। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सूर्योदय आज है, जो माता जी के चरणों में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्नान करके फ्रेश हो गए हैं और माता रानी की गुफा के बगल में ही प्राचीन शिव गुफा है, जहां हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यही है प्राचीन शिव मंदिर। आप लोग भी जब आइएगा तो माता जी के बगल में ही शिव गुफा है, जहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में।
तो दोस्तों अब हम लोग बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने रोपवे से जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रोपवे जो 6 बजे स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग बाबा भैरवनाथ की घाटी पहुंच चुके हैं और ये देखिए 360 व्यू। फिलहाल अभी मौसम साफ है इसलिए इतना सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है, नहीं तो यह मंदिर हमेशा बादलों से घिरा रहता है। तो दोस्तों हम लोग बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों अभी तक माता रानी और बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलता रहे। अभी हम लोग अर्थ कुमारी पहुँच गए हैं और हमारा नंबर रात में आने वाला है, तो रात में हम लोग दर्शन करके कटरा के लिए निकल जाएंगे और हमारी यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। तो एक बार जोर से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोले सांचे दरबार की जय। तेरा